कहीं ऐसा ना हो कि कल अगर ऐसी बीमारी अटैक कर जाए, जो बीमारी आपके पास आपकी बचत पूंजी जो आपने जमा की है पूरी जिंदगी में, वो जमा पूंजी आपकी सिर्फ एक बीमारी लेकर चला जाए और हाथ में कर्ज देकर चली जाए। तो क्यों ना हमें पहले से ही इस सब बातों का ध्यान रखते हुए एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कल अगर कोई बीमारी आ भी जाती है, उस बीमारी के इलाज में हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में हो जाए और हमारी जेब से एक पैसा भी ना जाए। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि कहीं आप अपने कस्टमर के पास जा रहे हैं या फिर आप अपने लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने सोच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया कि पॉलिसी लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुन सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, क्योंकि हमारा मकसद है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को ट्रेंड करना। हमारा मकसद है सभी लोगों को हेल्थ के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करना, उनको समझाना कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। एक व्यक्ति से मैं मिला जो जॉब करता था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति से मैं मिला जो जॉब करता था और जिसकी इनकम, जो महीने की इनकम थी, वो 90,000 रुपीज पर मंथ की उसकी महीने की इनकम थी, 90,000 रुपए महीने का कमाता था। वो व्यक्ति जो 90,000 रुपए महीना कमाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका जॉब प्रोफाइल कैसा है। इस व्यक्ति ने जो सेविंग की हुई थी, कितनी सेविंग की हुई थी, 10 लाख रुपए की सेविंग कर रखी थी इसने, 10 लाख रुपए जो हार्ड एंड मनी थी, मतलब मेहनत से कमाया हुआ पैसा, कितना, 10 लाख रुपए जिसके पास, जिसके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं और वो चुटकियों में हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ये 10 लाख रुपए जो उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, वो मेहनत हॉस्पिटल में कैश अमाउंट, जब इतना अमाउंट हॉस्पिटल में जा रहा है, कितना दर्द होता है, और ये पैसा तो चला ही गया, साथ में कर्ज आ गया 5 लाख का, 5 लाख का कर्ज भी आ चुका, यानी कि 10 लाख रुपए की जो जमा पूंजी थी वो तो गई, उसके साथ साथ हाथ में 5 लाख का कर्ज भी आ गया। जी हाँ, ऐसा वाकया हुआ है एक व्यक्ति के साथ में जो जॉब करता था, परिवार था, एक बच्चा था, 3 साल का बच्चा, वाइफ जो हाउसवाइफ थी, जो घर संभालती थी, और उसका एक बेटा जो 3 साल का बेटा था। ये व्यक्ति जो 90,000, जिसके अकाउंट में हर महीने 90,000 रुपए आ रहे हैं, ये तुरंत बीमार पड़ जाता है, सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, तुरंत इसको एक बीमारी अटैक कर जाती है, इसको एक गंभीर बीमारी, क्रिटिकल इलनेस बीमारी इसको अटैक कर जाती है। क्रिटिकल इलनेस यानी कि एक वायरस ने इसको अटैक किया, और अटैक आते ही इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तुरंत इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और जब हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया गया, वहां पर हॉस्पिटल ने बता दिया कि भाई इसकी जान को खतरा है, लाइफ बहुत डेंजर सिचुएशन में है, इसकी जान को खतरा है, हॉस्पिटल ने बोल दिया। परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो परिवार जिसके घर में सिर्फ 3 साल का बच्चा है, इस परिवार में 3 मेंबर थे, हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा, ये हॉस्पिटल में एडमिट है, 10 लाख रुपए की जमा पूंजी थी, हॉस्पिटल ने बोल दिया कि भाई इसकी जान को खतरा है, तुरंत इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। कहां पे एडमिट करना पड़ेगा, तुरंत आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको तुरंत 2 लाख रुपए अभी जमा कराने पड़ेंगे, अभी लेके आइए 2 लाख रुपए, तभी इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में परिवार क्या करेगा, कहीं ना कहीं से परिवार इधर उधर से उधार लेके इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, परिवार ने इसको एडमिट कराया हॉस्पिटल में। और देखिए, एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की लिमिट सिर्फ 10,000 रुपए,
ये अकाउंट से सिर्फ 10,000 रुपए निकाल पाया जबकि इसके खाते में 10,00,000 रुपए पड़े हुए थे। परिवार ने फोन किया, इधर उधर फोन किया, कहीं से 2,00,000 रुपए का अरेंजमेंट किया, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिशन कराया और इसको आईसीयू में एडमिट कराया। इसकी बीमारी के ऊपर 15,00,000 रुपए का खर्चा हुआ, 15 लाख। 15,00,000 रुपए इसकी बीमारी में लगे और जो 10,00,000 रुपए जमा कर रखे थे वो तो चले गए, साथ में 5,00,000 रुपए का कर्ज भी आ गया। अगर इस सब चीजों से आप बचना चाहते हैं या आप अपने कस्टमर के पास जा रहे हैं, अपने कस्टमर को आप अवेयर कीजिए कि ये सिचुएशन अगर आपके कस्टमर के साथ ना हो तो उससे बचने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी। तो अब हमें समझना है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है नेटवर्क हॉस्पिटल, सबसे पहले हमें नेटवर्क हॉस्पिटल देखने हैं। हॉस्पिटल कहां कहां पर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले ली लेकिन जो हॉस्पिटल है वो घर के 20 किलोमीटर के दायरे के बाहर है, 20 किलोमीटर की रेंज में हॉस्पिटल ही नहीं है जो नेटवर्क में है। हॉस्पिटल तो हैं लेकिन वो नेटवर्क यानी कि कैशलेस हॉस्पिटल नहीं है। तो जब भी कोई आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले, सबसे पहले ये जरूर देख लें कि जो कंपनी, जिस कंपनी के साथ आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं उस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल आपके एरिया में है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरीके से एक ऐसी बीमारी अटैक कर जाए जिसके लिए तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, तुरंत तुरंत उसी समय पर, और हॉस्पिटल नेटवर्क 20 किलोमीटर के एरिया के बाहर है, पैसा आपके पास है नहीं, तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करेगी। आपको तो हॉस्पिटल में पैसा जमा करना पड़ेगा, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में होगा तो कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं है तो हॉस्पिटल तुरंत पैसे जमा करने के लिए भी बोल सकता है। तो जब भी पॉलिसी ले आप या आपके कस्टमर तो नेटवर्क हॉस्पिटल का जरूर ध्यान रखें। दूसरा ध्यान रखना है रूम रेंट कैपिंग, रूम रेंट कैपिंग। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको, रूम रेंट कैपिंग। जो भी पॉलिसी लें उसमें यह जरूर देख लें कि आपकी पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग ना हो। रूम रेंट कैपिंग का मतलब होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि आपने 10,00,000 की पॉलिसी ली, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है 1% ऑफ सम एश्योर्ड ही मिलता है पर डे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए रूम के लिए, यानी कि 10,00,000 पर सिर्फ 1% मिलेगा। तो ऐसी पॉलिसी लें जिसमें कोई कैपिंग ना हो। आप एसी रूम लें, डिलेक्स रूम लें, वीआईपी रूम लें, कोई भी रूम लें, टेंशन नहीं है भाई, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी पॉलिसी चल रही है, इस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी अपने आप हमें रूम के लिए पैसा देगी, चाहे कितना भी रूम है, चाहे वीआईपी रूम लो या डिलक्स रूम लो, कोई भी रूम आप ले सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनी में कैपिंग लग जाती है और उस कैपिंग में क्या होता है कि आपको रूम मिलता नहीं है और फिर आपको डिलक्स रूम या वीआईपी रूम में जाना पड़ता है, तो वहां पर आपको अपनी पॉकेट से भी पैसा देना पड़ता है। तो दूसरा आपको क्या देखना है, रूम रेंट कैपिंग ना हो, ऐसी पॉलिसी आप लें। तीसरा आपको पॉलिसी लेते समय ध्यान कर रखना है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसी पॉलिसी लें जिसमें एडमिट होने से पहले और एडमिट होने के बाद जब डिस्चार्ज होके घर पे आ जाते हैं उस दौरान जितना भी खर्चा होता है वो हमारा रिइंबर्स हो जाए। कुछ कंपनियां 30 डेज प्री देती हैं और 60 डेज पोस्ट, 30 डेज प्री और 60 डेज पोस्ट। कुछ कंपनियां देती हैं 60 डेज प्री एंड 180 डेज पोस्ट, राइट। तो ये जरूर ध्यान कर लें, ये जरूर देख के लें पॉलिसी कि जिसमें आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में ज्यादा अमाउंट, ज्यादा दिन तक का ट्रीटमेंट का कवरेज मिले, राइट। यानी कि उस दौरान अगर आपकी दवाइयां चलती हैं वो दवाइयों का खर्चा आपका जितना भी होता है या फिर आपके मेडिकल चेकअप होते हैं वो सारे रिइंबर्स हो जाते हैं। अगला जो आपको ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 4, वो है वेटिंग पीरियड, वो है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड मिनिमम होना चाहिए, कम से कम वेटिंग पीरियड का पॉलिसी ले।
कहीं ऐसा ना हो कि आपने पॉलिसी तो ले ली प्रीमियम कम देख के, लेकिन उसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो 4 साल के बाद कवर्ड होंगी। फिर क्या फायदा 4 साल के बाद? 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 4 साल के बाद कवर होंगी, पता चला बीमारी अगले साल ही आ गई, राइट? तो कुछ बीमारियां होती हैं जो जिनमें वेटिंग पीरियड होता है 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्लान्स हैं। तो पॉलिसी लेते समय, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय वेटिंग पीरियड का जरूर ध्यान रखे, मिनिमम वेटिंग पीरियड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें। अगला आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 5 मैं यहां पर लिख देता हूं। पॉइंट नंबर 5 आपको क्या ध्यान रखना है, क्लेम अगर आ जाता है, अगर क्लेम आ जाता है, क्लेम आने पर प्रीमियम ना बढ़े, पर प्रीमियम ना इंक्रीज हो, प्रीमियम ना इंक्रीज हो, इंक्रीज हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अभी भी ऐसी पॉलिसी लेकर आई हैं जिनकी पॉलिसी अभी भी मार्केट में चल रही है, जिसमें अगर कस्टमर क्लेम ले लेता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसका क्लेम आ जाता है, तो जब उसके पास रिन्यूअल नोटिस जाएगा तो उसमें कंपनी लोडिंग लगा देती है, उसका प्रीमियम बढ़ जाता है, बढ़ा देती है कंपनी। अब उसके पास मजबूरी हो जाती है उसको चलाने की, क्योंकि वो पोर्ट भी नहीं कर सकता है। पोर्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको बीमारी ने अटैक कर दिया है। तो हमेशा जब भी आप कोई पॉलिसी लें, ऐसी पॉलिसी का चुनाव करें जिसमें क्लेम आने के बाद आपका प्रीमियम इंक्रीज ना हो, उसमें कोई लोडिंग ना लगे। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए, पॉलिसी लेते समय आपने इन पॉइंट्स को कंपेयर किया, तो आप अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुन सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस लेना हर परिवार के लिए, हर घर के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ का इंश्योरेंस और अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर को कस्टमर नहीं मिल पाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जाते हैं तो कस्टमर नहीं मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के लिए जाते हैं तो भी कस्टमर नहीं मिलते हैं। तो अब आपकी ये सारी टेंशन दूर होने वाली है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन, जिसको आप हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है अमित त्यागी एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा एप्लीकेशन, आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे और हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर, और कैसे आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं। तो जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन पर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे अमित त्यागी सर्च करके, और MDRT करने में आपको ये कोर्स बहुत मदद करेगा।